तस्वीरें पुंछ और राजौरी बेल्ट के दूसरी तरफ की हैं। भारतीय सेना पुंछ और राजौरी बेल्ट के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में इन लॉन्च पैड पर नजर रख रही है। इन लॉन्च पैड पर आतंकवादियों की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। सेना ने हाल ही में LOC पर पाकिस्तानी हिस्से में नटाला पोस्ट के एक लॉन्च पैड से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया था। तभी से पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड भारतीय सेना के रेडार पर हैं। पुंछ में LOC के पास POK में आतंकियों ने जो लॉन्च पैड तैयार किए हैं उनमें नल्ली का इलाका है। भिम्बर का ठिकाना बहुत खतरनाक है। POK में एक लॉन्चिंग पैड बक बक में है। पगसर में भी आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। POK के पोखरनी में भी अड्डे हैं। माग्याल से भी आतंकवादी लॉन्च किए जाते हैं। LOC और POK से इंटेलिजेंस के दम पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है। पाकिस्तान आतंकियों को कई ग्रुप में तैयार कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप कई क्लस्टर में एक्टिव है। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सेना ने सभी लॉन्च पैड LOC के आसपास तैयार कर दिए हैं। न्यूज 18 को मिली जानकारी के अनुसार ये लॉन्चिंग पैड LOC से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हैं, ताकि घुसपैठ में ज्यादा वक्त ना लगे। सेना की अगर हम बात करें तो सेना इन लॉन्चिंग पैड्स पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं, और अगर हम इंटेलिजेंस एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज की बात करें तो वो भी पाकिस्तान की इन गतिविधियों को ट्रैक कर रही है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये है कि POK में आतंकियों के कैंप में कई मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के अफसरों का लगातार आना जाना है। मीटिंग में कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमलों को लेकर बात हो रही है और घुसपैठ की कोशिश तेज करने पर फोकस किया जा रहा है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं वो पेशावर से लेकर मुजफ्फराबाद और बहावलपुर तक फैले हुए हैं, और अगर हम पाकिस्तानी सेना की बात करें वो पूरी तरह से इन आतंकवादियों की मदद कर रही है। ये भी जानकारी मिली है कि घुसपैठ से पहले इन आतंकवादियों को बहावलपुर और कोटली लाया जाता है। आतंकवादियों की ये क्लस्टर मनशेरा में है, मुजफ्फराबाद में है, कोटी में है और मुरीदके के साथ बहावलपुर में है। मनशेरा पाकिस्तान में है और यहाँ बालाकोट, गढ़ी, हबीबुल्ला और पतरासी में टेरर कैंप है। मुजफ्फराबाद POK में है और यहाँ चेलाबंदी, सवाई नाला, मुस्करा अक्सा और तुलाई नाला में टेरर कैंप है। कोटली भी POK में है। गुलपुर, सेंसा, बराली और दुंगी में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिल रही है। पुंछ और राजौरी में हुए आतंकवादी हमले के पीछे ऐसे ही आतंकियों और उनकी मदद करने वालों का हाथ बताया गया है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आतंकी संगठन TRF काफी एक्टिव है, यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट। इसका ये ग्रुप लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहा है। नए अटैक में जो आतंकी शामिल रहे उनमें जैश से लेकर लश्कर और हिजबुल का कैडर एक्टिव रहा है। मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक पाकिस्तान की सेना इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। उसका पूरा फोकस घुसपैठ कराने पर है। पाकिस्तान की सेना का एक ब्रिगेड कोटली में है और इसी ब्रिगेड पर भारत में घुसपैठ कराने की जिम्मेदारी है। इसी वजह से इस ब्रिगेड के ऑफिसर लगातार फगोश, सेंसा और गुलपुर जैसे कैंप्स का दौरा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर हम पाकिस्तान सेना की बात करें तो उस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। पाकिस्तान की तरफ घुसपैठ की कोशिश हमेशा होती रहती है, क्योंकि कश्मीर के अंदर आतंकियों को मदद चाहिए। उनको इस वक्त असलहे से लेकर बाकी सपोर्ट मिलने में मुश्किल हो रही है। पुंछ और राजौरी बेल्ट की दूसरी तरफ से आई तस्वीरों से जाहिर है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड पर लगातार नजर रखी जा रही है। ऐसी रिपोर्ट्स भी बराबर मिल रही हैं कि ट्रेनिंग कैंपों की लोकेशन लगातार बदली जा रही है। पाकिस्तान अब आतंकवादियों को ऐसे कैंपों में ट्रेनिंग दे रहा है जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जल्दी किया जा सकता है।
पीओके के हाजिरा में एक बड़ा आतंकी कैंप है और यहाँ पाकिस्तानी सेना ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी है। इसलिए इस कैंप में आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान की सेना के बड़े अफसरों की देखरेख में होती है। इसके अलावा वहीं नीलम घाटी के पास पीओके में काली घाटी इलाके में भी टेरर कैंप एक्टिव है। आतंकवादी कई किलोमीटर पहाड़ों को पार करते हुए घुसपैठ करते हैं। नदियों और नालों के बीच से होते हुए जंगलों से गुजरते हुए आतंकवादी भारत के हिस्से वाले कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन इनकी लॉन्चिंग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होती है जहां बने हैं लॉन्चिंग पैड। यहां आतंकवादियों को पहुंचाने से पहले दो तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, या कह सकते हैं कि उनको दो आतंकवाद वाले कोर्स कराए जाते हैं। पहला कोर्स 3 महीने का है जिसमें आतंकवादियों को एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है। उनको AK-47 जैसे कुछ छोटे हथियार चलाना सिखाया जाता है। दूसरे कोर्स में उन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है, जंगलों में जिंदा रहना और GPS और वायरलेस जैसी कई तरह की तकनीकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। पाकिस्तान के कमांडो दस्ते SSG को इस वक्त बड़ा मिशन दिया गया है। उनका काम है आतंकवादियों को घुसपैठ कराना और उनके आत्मघाती दस्तों को LOC पार कराने के साथ कवर फायर देना। इसके लिए पाकिस्तान की बैच यानी बॉर्डर एक्शन टीम भी काम पर लगा दी गई है। इस टीम में आतंकवादियों को चीन से मंगाए गए नए हथियार और नाइट विजन डिवाइस भी दिए गए हैं ताकि रात में भी घुसपैठ को मुमकिन किया जा सके। खुफिया एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तानी सेना के SSG कमांडो ग्रुप को 2021 से ही एक्टिव रखा गया है और अगर हम 2022 और 23 की बात करें तो उनका गतिविधियों का फोकस जम्मू कश्मीर और भारत में घुसपैठ कराना रहा है। इस वक्त LOC पर चप्पे चप्पे पर भारत की फौज तैनात है, लिहाजा भारतीय सेना की पूरी घाटी पर नजर रहती है। लेकिन यहाँ जंगलों से घिरे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ ना बाड़ लगाना आसान है ना ही निगरानी। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ निगरानी के लिए एक बटालियन भी कम पड़ती है। LOC के उस पार की ये वही इलाके हैं जहाँ बिलों में छिपकर पाकिस्तान के दहशतगर्दों की टोलियां घुसपैठ की ताक में रहती हैं। एक तरह से पाकिस्तान आर्मी बेनकाब हो गई है। ये पुख्ता रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान के प्लान की पूरी रिपोर्ट है। ओकारा से लेकर मुजफ्फराबाद तक आतंकवाद के कारखानों की पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। इस वक्त सेना के पास पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और ISI के बैकअप की पूरी रिपोर्ट है। लश्कर जैसे आतंकी संगठनों में लड़ाकों को कैसे भर्ती किया जाता है, नौजवानों और बेरोजगारों को कैसे कॉन्टेक्ट किया जाता है, ISI और लश्कर की मोडस ऑपरेंडाई क्या है, भर्ती के बाद लड़ाकों को कहां भेजा जाता है, कहां और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग कौन देता है, माइंड वॉश कैसे होता है और फिर हथियारों के साथ उन्हें किस रास्ते भारत भेजा जाता है। जाहिर है सब कुछ पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा है। इस वक्त आतंकियों को घुसपैठ वाले मिशन के लिए जो हथियार पहुंचाए जा रहे हैं उसमें राइफल भी है, ग्रेनेड भी है। हर साल सर्दियों से पहले घुसपैठ की बड़ी कोशिश लगातार होती है, इसमें कोई शक नहीं, ताकि बर्फ पिघलने तक इतने आतंकी और हथियार घाटी में पहुंचा दिए जाएं जो कई महीनों तक आतंकवाद को एक्टिव रखने का काम पूरा कर सके।